समस्तको स्वागत पिले आज आम सप्तम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्यायर एगार नंबर पार्ट आलोचना करने जाऊे। पूर्व दस टी पार्ट कम्प्लीट हो जाए। पूर्व दस टी पार्टर संपूर्ण पार्ट वन टू पार्ट टेन देखापी उपरे देखा जाऊ आई बटन को क्लिक करके लिंक मिल जाव। या छड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल रही सेयार कराव चेस्ट कर टेलीग्राम चैनल जॉइन करवाई। आम ओडिशारे गंगवंशर शासन विषय आलोचना करते जमी तुमको कही हाँ वज्रहस्तदेव राजराजदेव हाँ यही दुई राजा जो आम कहीपर गंगवंशर यही दुई राजा वज्रहस्तदेव एवं राजराजदेव को परे आसिले चोड़गंगदेव। ठीक अच्छे। एवं चोड़गंगदेव केबे सिंहासन आरोहण करते ऑलरेडी पार्ट टेन पढ़ाई भाव टिके चेष्टा करी आंसर देवाई चेष्टा कर। आमर राजराजदेव को मृत्यु पर चोड़गंगदेव 1077 ख्रीष्टाब्दे सिंहासन आरोहण करते से बहुत सारा राज्य जय करके एक विशाड़ गंगवंश विशाड़ साम्राज्य गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा करते दीर्घ 70 वर्षर राजत्व काल में से ओडिशा को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य में परिणत करते आमर चोड़गंगदेव। तांकर साम्राज्य विस्तार होउछि केमिति करथिले ता आज होउछि एही पार्टर आलोचनार विषय। किंतु मन रख आमर गंगवंशर शासन कहिले मुख्यतः आम चोड़गंगदेवों विषय विशेष रूपे आलोचना करिबा एवं जी 1077 ख्रीष्टाब्दे सिंहासन आरोहण करथिले एवं कलिंग नगर तांकर थिला राजधानी एबेर आंध्र प्रदेश कहिपरिबा एबेर आम जहाँ को आंध्र प्रदेश बोली कहुचे से आंध्र प्रदेश रे अवस्थित कलिंग नगर थिला तांकर राजधानी। चोड़गंगदेव 1077 ख्रीष्टाब्दे सिंहासन आरोहण करथिले। एबे तांकर साम्राज्य विस्तार विषय चल आलोचना करिबा। जमी ऑलरेडी आम आलोचना करते आम जी चोड़गंगदेव थे जड़े दिग्विजयी सम्राट रूपे ख्याति अर्जन करते से सोमवंशीर शेष राजा कर्णदेव को पराजित करते। मन रख चोड़गंगदेव सोमवंशीर शेष राजा कर्णदेव को पराजित करते 1110 ख्रीष्टाब्दे उत्तर अधिकार करते अर्थात सोम उत्तर से समय सोमवंशीर राजा थे भितर कर्णदेव को से पराजित करते 1110 एटा बहुत इम्पोर्टेंट जिनस 1110 ख्रीष्टाब्दे से उत्तर अधिकार करते कि पूर्व 1077 मन रख 1077 से सिंहासन आरोहण करते। ओके किंतु तार किसी वर्ष पर अर्थात 1110 ख्रीष्टाब्दे से उक्तल अधिकार करते। उक्तल केमती अधिकार कले ना सोमवंशीर जो शेष राजा थे कर्णदेव तांकु पराजित करी से उक्तल अधिकार करते। या सहित से बंग मध्य आक्रमण कर आरम्य एवं राढ़ अंचल अधीन को आनी मन रखिब बंग आक्रमण करो जगह को से निज अधीन को आनी केवल जे गंग अधिकार करते नुह हाँ बंग अधिकार करते नुह से मध्य दक्षिण भारत हाँ दक्षिण भारत बेंगी राज्य को साम्राज्य मिसेते कौजी चोड़गंगदेव हाँ बहुत सारा राज्य जय कर विशाड़ गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा करते। सतकथा 1077 से सिंहासन आरोहण कले किंतु आस्ते 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 साम्राज्य विस्तार कर चले 1110 से उत्तर अधिकार कले बंग आक्रमण कर किसी अंचल अधिकार कले दक्षिण भारतर मध्य किसी अंचल को अधिकार कर निज साम्राज्य भुक्त कले तेनालीर जो साम्राज्य था चोड़गंगदेव जो साम्राज्य था ता गंगा नदी ठारू दक्षिणर गोदावरी पर्यंत विस्तृत था बहुत बड़ साम्राज्य था दीर्घ 70 वर्ष धरी शासन करते। तेणुता साम्राज्य गंगा नदी गंगा नदी कहले उत्तर दक्षिण रे गोदावरी एपर्त व्यस्त थिला से बारंग कटक चौदार जाजपुर एवं अमरावती कटक जिलार जो छतिया बोली तमें कहचे से जगह से कौन करते निजर दुर्ग निर्माण करते कौन निर्माण करते दुर्ग मान निर्माण करते हाँ से एक विशाड़ साम्राज्य सृष्टि कर चोड़गंगदेव निजक महाराज धीराज त्रिकलिंगाधिपति श्री गंगा चूड़ामणि आदि उपाधि भूषित करते। मन रख से कौन कौन उपाधि निजक भूषित करते महाराज धीराज त्रिकलिंगाधिपति श्री गंगा चूड़ामणि आदि उपाधि भूषित होते 1147 ख्रीष्टाब्दे से प्राण त्याग करते। भाव 1077 ख्रीष्टाब्दे सिंहासन आरोहण कर क्रमान्वय 1147 पर्यंत हाँ से कौन करते ना शासन कार्य चलते विशाड़ साम्राज्य गठन करते बहुत सारा उपाधि अधिकारी होते
ठीक अच्छे मन रख तेणु ये गोटे क्वेश्चन क्रिएट हम हाँ चोड़ गंगदेव गंगवंशर राजा चोड़ गंगदेव साम्राज्य विषय एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख विषय आलोचना कर तुम्हें सिंपल लेख 1077 ख्रीष्टाब्दे गंगवंशर राजा राजराज देव को मृत्यु परे से सिंहासन अधिकार कले एवं से अनेक राज्य जय कर विशाल गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा कले दीर्घ 70 वर्ष राजत्व से करते हाँ एवं ओडिशा को एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य में परिणत करते हाँ से सोमवंशीर शेष राजा कर्णदेव को पराजित करते 1110 ख्रीष्टाब्दे उत्तर अधिकार करते हाँ बंग आक्रमण कर आरम्य और राढ़ अंचल को अधीन आनी दक्षिण भारत में थिबा बेंगी राज्य को मध्य साम्राज्य भुक्त करते हाँ तेणु एत अंचल अधिकार करते जे तांकर जो साम्राज्य उत्तर गंगा नदी ठारु दक्षिण गोदावरी पर्यंत विस्तृत होता से बारंग कटक चौदार जाजपुर अमरावती आदि भड़ी जगार दुर्ग मान निर्माण करते एत विशाल साम्राज्य गठन कर बहुत सारा उपाधि जमीक महाराज धीराज त्रिकलिंगाधिपति श्रीगंगा चूड़ामणि आदि उपाधि भूषित होते एत विशाल साम्राज्य से गठन करते 1147 ख्रीष्टाब्दे कौन होता प्राणत्याग होता ये गोटे इम्पोर्टाट जिनस रही तुमको देखापी चाहिए ये देख ये कौन लिखी कोर्नी ताम्रपटा कोर्नी ताम्रपटा अभिलेखर चोड़ गंगदेव राज्य जय वर्णन कर जो चोड़ गंगदेव अनेक राज्य जयन करते जय करते कौ अभिलेखर ना कोर्नी ताम्रपटा अभिलेखर सूचित होती आम आज पार्ट्रे गंगवंशर हाँ चोड़ गंगदेव साम्राज्य विस्तार विषय आलोचना कले ता पार्ट्रे आ गोटे पार्ट्रे अर्थात पार्ट बारे आम से चोड़ गंगदेव जो थे गंगवंशर राजा तांकर राज्य शासन प्रणाली केमती रही है ताको आलोचना करने सहित जदि समय बढ़ला प्रथम नरसिंह देव विषय में आलोचना करने धन्यवाद थैंक यू पे भल लगी निश्चित रूप लाइक करपर हाँ हाउ हाँ हाँ किसी क्वेश्चन आम बैक रू पचार देखा के पाठ मन रही कि नहीं पचार दरकार ना ना पे हौ ताले आम मन रखिपर सोमवंशीर प्रथम जन्मंजय सोमवंशीर प्रथम जन्मंजय केबे सिंहासन आरोहण करते एस 882 ख्रीष्टाब्दे जन्मंजय सिंहासन सोमवंशी राजा क्वेश्चन पचारे आम ए गंगवंशर राजा विषय पचारूँ जन्मंजय सोमवंशीर राजा थिले किए सिंहासन आरोहण करते एस प्रथम जजाति मन रख फास्ट जन्मंजय आसिले सोमवंशी राजा कथा आलोचना कर 882 ख्रीष्टाब्दे प्रथम जजाति 922 ख्रीष्टाब्दे और द्वितीय जजाति 1023 ख्रीष्टाब्दे मुख्य हाँ राजा रही थे आमर गंगवंशर आउ किसी राजा अच्छा तुम्हें निश्चिंत पार्ट 8 देख पार्ट 8 आलोचना होगवंशर राजा विषय ओके धन्यवाद थैंक यू।